गाइस, अभी हम अपने हॉस्टल से करीब 30 किलोमीटर दूर आए हैं एक हरे कृष्ण मंदिर। ये जो हरे कृष्ण मंदिर है, इसके बारे में हमें बताए थे जो पिछले के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। कामाख्या जिस टाइम हम गए थे, उस टाइम हमें एक फ्रांसिस्को नाम का एक बंदा मिला था, तो वही हमें इस मंदिर के बारे में बताए थे। तो यहाँ आने में मुझे लग गया करीब 2 से 2.5 घंटे। वो 2 से 2.5 घंटे हमें इसलिए लगा क्योंकि यहाँ का जो लोकल बस है ना यार, वो 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट चलता है, ऐसे करके कुछ हाल है। फाइनली हम पहुँच गए हैं हरे कृष्ण मंदिर। ये रहा मंदिर के बाहर का सीन। बाहर मतलब ये हो गया साइड, वहाँ पे कुछ हवन वगैरह होता है और वो हो गया मेन हाईवे है। जो गुवाहाटी है ना, वो बेसिकली दो भाग में बटा है अभी तक मेरे नॉलेज से। एक है गुवाहाटी जो मेन है और एक है नॉर्थ गुवाहाटी। ऐसा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के आप दूसरे साइड चल जाइए, जिधर मेरा हॉस्टल है वो हो गया गुवाहाटी, और ब्रह्मपुत्र नदी के जस्ट उत्तर साइड आ जाइए तो आपको वो हो गया नॉर्थ गुवाहाटी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। तो अभी हम हैं नॉर्थ गुवाहाटी में, और ये जो हरे कृष्ण मंदिर जो है, हरे कृष्ण मंदिर, ये भी है आपका नॉर्थ गुवाहाटी में। और इस मंदिर का जो लोकेशन है वो तो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ही। और यहाँ का जो पंडित है उनसे पूछते हैं कि यहाँ का क्या इम्पोर्टेंस है। आपका है ना समर ज्योति, समर ज्योति तो हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट को स्प्रेड करता है। अच्छा, और कब से है ये? ये 15 मार्च 2021 से नया बना हुआ है ना। नया बना, तो इससे पहले कहीं था क्या इसका कोई ब्रांच? या इसके पहले अक्षय पत्रा किचन था, वो हाईवे में था। हाईवे में तो गुवाहाटी गुवाहाटी। ये नदी के वो साइड? नहीं, नदी की नदी के आमीन गांव में ही था। अच्छा, आमीन गांव में। हाँ, तो क्या मतलब प्रॉब्लम पड़ गई कि वहाँ से यहाँ? वहाँ रेंटेड हाउस था, यहाँ पे खुद का वहाँ रेंटेड हाउस था। हाँ, यहाँ पे खुद का, यहाँ खुद का। अच्छा ठीक है। यहाँ खुलने का टाइम और कब भीड़ होता है? खुलने का टाइम सुबह 7:15 बजे खुलता है मंदिर। सुबह सात बजे खुलता है, 1 बजे बंद होता है दोपहर को, फिर 4:15 बजे खुलता है, फिर रात को 8:30 बजे बंद होता है। वैसे आरती तो मतलब सुबह 4 बजे से स्टार्ट, सुबह 4 बजे से आरती स्टार्ट हो जाता है ना। ओके, मतलब कि 1:30 बजे के बाद अगर आओ तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 4 बजे तक ना। जैसे आज हम किए थे, हम 3 बजे आ गए, बट वो फ्रांसिस्को के मदद से हम अंदर आ गए थे। और यहाँ पे सूर्य के नीचे मिड डे मील चलता है, वो अक्षय पत्रा किचन में। अच्छा, अक्षय पत्रा किचन। और बता रहे थे वो भैया जो थे, वो 50,000 स्टूडेंट को यहाँ नीचे नीचे चलता है ना। तो आप लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं खाना को? हाँ, खाना को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में रेगुलर 50,000 बच्चों के लिए खाना। अभी उसका देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा कुछ यहाँ का रूल है जो आप अभी महाशय जी से सुने। शायद ये सब काम अभी बचा हुआ है, और आप यहाँ दर्शन करने आते हो तो आपके लिए प्रसादी खीर है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। प्रसादी काफी टेस्टी है। हाँ जी, तो फाइनली अब टाइम हो गया है, 4 बज गया है, और वही जा रहे हैं मंदिर के अंदर। 4 बज गया, 6 बज गए, अभी शायद का दो अभी नहीं होता है, 4 बजे तो सब। चार बज के 15 मिनट में ये जो मेन गेट है ना, ये 4:15 में ही ओपन होगा। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। इधर यार लग रहा है कि कोई बड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला पंखा लगा दिया। अभी हम मंदिर के अंदर है इसलिए ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते हैं। तो मंदिर के अंदर कुछ ऐसा ही है, डोनेशन बॉक्स, आइए डोनेट कीजिए।
क्या है यहाँ पे? ये जो हमारा भगवान भुट्टा है, भगवान का जो भी रिलेटेड बुक्स है यहाँ पे सारे मिलते हैं। तो जस्ट मेन गेट के सामने यहाँ पे श्री कृष्ण से रिलेटेड सारा बुक मिल जाएगा, भगवत गीता ना कृष्ण, बांग्ला में, हिंदी, इंग्लिश, असमीस। ये देखिए श्री भगवत गीता। ऑनलाइन पेमेंट होता है, मेरे पास कैश था नहीं, देखते हैं अगर मुझे कोई बुक पसंद आ गया तो ले लेते हैं। देखते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे वैसे कभी भी पढ़ ही सकते हैं। और बाकी वो जो मेन द्वार रहा वो खुलेगा 4:15 बजे, 4:15 मिनट। इसके अंदर क्या है? श्री कृष्ण का मूर्ति है, श्री कृष्ण का मूर्ति है। तो अभी कृष्ण भगवान की आरती हो रही है। भगवत गीता कुछ लेके और केवल उनके पास 40 रुपया था, तो 40 रुपया लेके कोई हिम्मत करेगा अमेरिका जाने में? तो इसीलिए प्रभुपाद उनका गुरु का बात मानते थे। गुरु बोला जो आपने पाश्चात्य धर्म में सनातन धर्म का प्रचार करो विदेश में जाके। जैसे वेस्टर्न कल्चर हम लोग यहाँ पे इंडिया में चलते हैं, वेस्टर्न कल्चर सब कुछ, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर जब मानते हैं प्रभुपाद, सोचा पहले भोपाल बहुत कोशिश किया था इंडिया में सुधारने के लिए, भोपाल बहुत यहाँ पे बहुत प्रीचिंग किया, लेकिन उनको भोपाल का गुरु का बात नहीं था। ये गुरु उनका जो गुरु भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर मंदिर। हाँ, कितने बार बना हुआ है ये मंदिर? मंदिर ग्राउंड फ्लोर नीचे, फर्स्ट फ्लोर ऊपर, ग्राउंड फ्लोर में है आपका मीटिंग और फर्स्ट फ्लोर पे है मंदिर। और यहाँ पे कुछ बात हम बताना चाहेंगे, पहले हम नीचे पहुँच लेते हैं उसके बाद। चप्पल शूज रखने के लिए जगह। अच्छा ये सब क्यों बनाया गया? ये सब ये हमारा फेस्टिवल हुआ था, जन्माष्टमी का फेस्टिवल हुआ था। अच्छा जन्माष्टमी के फेस्टिवल हुआ था इसीलिए। भाई साहब कृष्ण भगवान का जन्म है तो यहाँ पे फेस्टिवल बनाया इन लोगों ने, यहाँ पे ये सब टेंट वगैरह खाने पीने के लिए। और बाहर का बात करें तो इस तरह से कुछ सीन है, बाइक वगैरह लगाने के लिए जगह। और इधर चल जाओ आपका मिड डे मील और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मंदिर। और मंदिर में क्या है कि मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड आओगे ना तो वहाँ आपको डोमेट्रीज वगैरह मिलेंगे। और ये क्या होता है कि बाहर से अगर कोई इस मंदिर में विजिट कर रहे हो तो उनके लिए रहने के लिए जगह है ना। भाई साहब इनके बारे में बताएं। तो आपका मंदिर का ऑफिस है, जाए कहाँ उसका काम होता है। ओके, इनका नाम तो हम बताए ना, क्या नाम? मेरा नाम नवज्योति दास। नवज्योति दास भाई ये है फ्रांसिस्को का फ्रेंड जो हमें अंदर आने में काफ़ी हेल्प किए थे। वहाँ पे आप बाहर से आते हो कार वगैरह लेके तो वहाँ पे खड़ा कर सकते हो। और ऐसा कुछ सीन है। हाँ जी, तो अभी हम आए हैं ये जो हरे कृष्ण मंदिर है ना जस्ट उसके बाहर। तो ये रहा तालाब, बीच में रोड, इधर भी तालाब और सामने रहा वो पहाड़ी। और ब्रो
ये सब पहाड़ी का भी कुछ नाम वगैरह है क्या? नाम वगैरह नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे इसे, पहाड़ियों का कुछ तो लोकेशन होगा ना? यहाँ पे ये नॉर्थ गुवाहाटी की बोलते हैं हम लोग। फाइनली दर्शन भी हो गया और जान भी लिए इस हरे कृष्ण जो टेंपल है कृष्ण भगवान के, इसके बारे में। और भाई साहब अगर ये नवज्योति दास भाई नहीं रहते ना तो आज मेरा तो लग जाना था। तो मुझे नहीं देते सिक्योरिटी, मुझे अंदर नहीं आने देते वहाँ पे। और क्रेडिट तो जाता है, तो शुक्रिया कि आप आए, विजिट कीजिए तो अच्छा लगा। हाँ, तो थैंक यू फ्रांसिस्को ब्रदर, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर दियो। तो चलते हैं अब अपने हॉस्टल, और यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस है, देखते हैं ऑटो या फिर जो यहाँ का बस है तो चलते हैं उसी से।